तो गाइस यार टग ऑफ वॉर तो गाइस यार आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया अब क्या करो, आप महिंद्रा थार लाओ और उस थार के साथ में टग ऑफ वॉर करो। किसके साथ, ये हम पे डिपेंड करता है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हवाएं भी जो है वो तूफानी चल रही है और आज की जो वीडियो है वो भी तूफानी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर एक तरफ है हमारी रानी और दूसरी तरफ है हमारे पास महिंद्रा थार मैम। तो गाइस यार रजनी मैम हमारे यहाँ पे आई और इन्होंने एक गलती कर दी कि ये अपनी थार भी अपने साथ में लाई। तो आज होने वाला है टग ऑफ वॉर महिंद्रा थार और महिंद्रा बोलेरो कैंपर के बीच में। गाइस यार ये भी 4x4 है, वो भी 4x4 है, उसके अंदर भी 4, लो के अंदर भी है, हाई के अंदर भी है, तो दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है लगभग सेम है। तो रजनी जी मैं ये जीतेगी। चलो वो तो अभी देखा जाएगा, अभी मुकाबला हो ही जाएगा। तो गाइस यार ये भी 4x4 है, वो भी 4x4 है, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इसकी कीमत कितनी है मैम? साढ़े अठारह लाख और उसकी कीमत है लगभग 10 लाख रुपए। तो जो प्राइस का डिफरेंस है वो आधा हो जाता है, ठीक है। मतलब प्राइस का जो डिफरेंस है वो आधा हो जाता है। उसके अंदर एसी नहीं है, इसके अंदर एसी है, वो भी 4x4 है, पावर स्टेयरिंग है, तो मतलब कंपेरिजन तो करने का मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं तो इंजन भी मेरे हिसाब से पावरफुल होंगे, है ना? इसका 2.4 है, उसका 15 है। नहीं वो कितना है सीसी, उसके अंदर टाइटेनियम है, ठीक है। तो मतलब ये हो सकता है कि वो गाड़ी भी जीत जाए। वैसे आपको क्या लगता है, ये जीतेगी पक्का? देखो अगर स्पेक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जीतेगी। अच्छा स्पेक्स के हिसाब से, वैसे जो चलाने वाला राइडर होता है उस पर भी डिपेंड करता है वो कैसे चला रहा है। एक ही डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑटोमेटिक है और वो मैनुअल है, यानी कि उसके अंदर क्लच है और इसके अंदर क्लच नहीं है। तो ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इस टग ऑफ वॉर के अंदर, हार और जीत का जो बड़ा अंतर है वो उसकी वजह से आ सकता है। लोंडो कौन जीतेगा? अबे आराम मत देना मुझे। ऑलराइट गाइस, तो यार इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हैं वो रखते हैं, आप बताओ कितना रखना चाहिए? 1 मिलियन। ओके गाइस, तो 1 मिलियन का टारगेट है, अब तो रजनी जी ने भी बोल दिया है, तो 1 मिलियन हो जाने चाहिए। और आपकी ख्वाहिश के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम करते हैं महिंद्रा थार वर्सेस बोलेरो कैंपर। जब बांध देते हैं गाड़ियों को इस मोटे तगड़े रस्ते से, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां पावरफुल है, तगड़ा रस्ता चाहिए होगा। तो इसके अंदर तो यहाँ पे गाइस हुक है, थार के अंदर अपने को हुक देखना मिल जाता है लेकिन कैंपर के अंदर ऐसा हुक नहीं है। तो कैंपर के अंदर हमें बीच में से ही कहीं से चेचिस पे, जो मेन चेचिस इसकी चेसी है, उस पर बांधना होगा। तो पहले इधर बांध देते हैं। तो गाइस यार ये हो गया सेट और अब हो रहा है मिस्टर इंडियन हैकर वर्सेस कैंपर और मैं हार गया यहाँ पे, ठीक है। थार को ही भिड़ने देते हैं। तो गाइस यार हमारी कैंपर को चलाएगा मोटा। अबे देख ले, पिछली बार भी तूने हरा दिया था हमें, ठीक है। इस बार इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। तो इस बार अपने को जीतना है, ठीक है। ठीक है ठीक है, चल भाई थार को चलाएंगे रजनी जी। तो रजनी मैम पिछली बार आप जीत गए थे, तो हम चाहते कि इस बार आप ही जीते, ठीक है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको जिता दें, क्योंकि मेहमानों की हम फुल खातिरदारी करते हैं और उनको कभी निराश नहीं करते। नहीं लेकिन चीटिंग से नहीं जीते थे, मैं जीती। अरे यार वो अब देखो, जो जो हार जीत चलती रहती है, जो जीता वो जीता, जो जीता वही सिकंदर। तो सेट भाई, ऑल सेट, और आज तो जीतना है भाई। दिलदार भाई ने बोल दिया मेरे को, बोले जीतना तो ही है आज, बहुत जरूरी है आज। हाँ तो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। तो गाइस यार दोनों राइडर अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। रजनी जी थार के अंदर है, कैंपर के अंदर है मोटा भाई। तो
पहले क्या करेंगे, पहले दोनों गाड़ियों को 2x2 के अंदर चलाएंगे, ठीक है? तो मैं इनको इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। आ जा जल्दी। मेरे तीन गिनते ही स्टार्ट करना है, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है? तो मैं तीन तक गिनूंगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? उसको भी समझा देते हैं। बोटे मैं तीन तक गिनूंगा, तुझे स्टार्ट करना है तो दो पे स्टार्ट कर ले, ठीक है? नहीं, नो चीटिंग, ठीक है? राउंड वन। एक, दो, तीन। भैया ये होता है जब दो शेर मिलते हैं। देखा, इतना मोटा रस्सा ही टूट गया गाइस, देखो इतना मोटा रस्सा टूट गया। ये थी दोनों की पावर। एक बार फिर से बांधते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। तो गाइस यार इसे ही कहते हैं रियल पावर। ये जो रस्सा है फॉर्च्यूनर और ऑडी के केस के अंदर भी नहीं टूटा था, लेकिन अभी टूट गया। ये है गोविंद की पावर। तो रजनी जी ये थी दोनों शेरों की पावर, रस्सा ही टूट गया। अब की बार क्या करते हैं, अब की बार एक कोशिश करते हैं कि दोनों को बराबर खिंचाव रखते हैं, झटका देने की बजाय पहले खिंचाव रखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। राउंड टू। ऑलराइट गाइस, एक बार फिर से शुरू करते हैं। एक, दो, तीन। टूट गया रस्सा फिर से। आ गाड़ी नीली हुई अपनी तो। नहीं नहीं ली। दिया। Oh my God. That's awesome यार। Amazing था ये, बहुत amazing, super amazing था। Guys यार यकीन मानो कैंपर ने थार को हिलने भी नहीं दिया, ठीक है? Guys आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियां जगह की जगह रुकी, इसने टायर के अंदर वो खड्डा खोद दिया, उसने भी खोद दिया, लेकिन देखने से ये लग रहा था कि कैंपर जो है वो थार को बराबरी से टक्कर दे रही है, और आई थिंक कैंपर थोड़ा ज्यादा पावर लगा रही है। बहुत अमेजिंग है, मैं कह रही हूँ 75 BHP की पावर है, यहाँ पर 130 है, पावर भी ज्यादा है, इंजन भी बड़ा है, ये 2.4 है। लेकिन आप चला रहे थे, मैं जो प्रत्यक्ष दर्शी है, जो आंखों से देख रहे हैं, उनको पता पड़ेगा कि जो रियल पावर है वो यहाँ पर कैंपर ने दिखाई है। उसका मेन रीजन ये है कि वो मैनुअल, देखिए दोनों ही महिंद्रा ही गाड़ी है, इंजन उसका पावरफुल ज्यादा है, लेकिन वो एक तरीके से बनी हुई है लग्जूरियस के हिसाब से और साथ ही साथ राइडिंग के हिसाब से। ये है लोडिंग ट्रक, ठीक है गाइस? माल खींचने वाला ट्रक ही रहेगा। एक बार फिर से करते हैं, बिल्कुल एक बार और रास्ता तोड़ते हैं, ठीक है? आ जाओ राउंड थ्री। चलो गाइस, ठीक है, दोनों गाड़ियां 4x4 के अंदर है, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? एक, दो, तीन। यहाँ पे पूरी फॉर्च्यूनर धस चुकी है, थार धस चुकी है, और कैंपर हिल भी नहीं रही है। देखो वैसी की वैसी गड़ी है, जैसी थी वैसे की वैसे। वही यहाँ पे फोर हाई नहीं है, अभी फोर हाई नहीं है, फोर हाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उन्हें बोल रोको, फोर हाई नहीं है, रोकना पड़ेगा, रोको। गाइस धुआं निकल गया टायर से इसका, ठीक है? गाइस वहां पे गड्ढे हो चुके थे तो लोकेशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन मुकाबला वैसा ही है। तैयार, फाइनल राउंड, ठीक है गाइस? अभी दोनों गाड़ियां 4x4 के अंदर हैं, थोड़ी सी आगे लो, बस रुको, हाँ ठीक है, तैयार, ठीक है? एक, दो, तीन। Thank you.
तो रजनी जी ने भी कह दिया गिव अप, बस छोड़ देते, गाड़ी का हाल देखो यार, इसका टायर देखो कहां तक धस चुका है, इधर इसका टायर देखो कहां तक धस चुका है, और इधर देखो गाइस इसका टायर देखो कहां तक धस चुका है, और ये देखो, और गाइस कैंपर को देखो पूरा दम लगा दिया है इसने, और ये पूरा खोल दिया, इसका जो अलाइनमेंट है ना वो सारा अपसाइड डाउन हो चुका है, ये देखो ये इधर से बैठ गई है, हाँ वो उसने क्या किया कि उधर की चार तरफ से खोद दिया ना, एक्चुअली इनमें होता है ऐसा है कि अगर दो व्हील फ्री हो जाते हैं तो फिर वो उस तरीके से काम करते हैं, तो वैसा कुछ हुआ है, बाकी मैं ये कहूँगा कि मुकाबला यहाँ पे टायरा कोई नहीं जीता, बाकी मेरा वोट तो अभी भी कैंपर को ही जाता है क्योंकि यार लोडिंग ट्रक है। अच्छा आप सीरियसली बताइए कि आपका वोट किधर जाता है? अब तो मेरा भी इधर ही जाता है। तो गाइस यार ये था, देखो बहुत पावरफुल गाड़ी है, साथ ही साथ लग्जूरियस है, टोरा है एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इधर ये अपना जो है मतलब कि इनका अलग ही सीन चलता है इस गाड़ी का। तो ठीक है गाइस ये थी आज की वीडियो, फॉर्च्यूनर यार अब फॉर्च्यूनर के साथ इतनी टग ऑफ वॉर कर ली कि बार बार उसी की याद आती है, तो आ जाओ। तो देखो इधर रही कैंपर, उधर रही थार, दोनों के अंदर से कोई नहीं जीता, मुकाबला यहाँ पे टाई हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? देखिए मैं अभी तक थार की बड़ी डाई हार्ड फैन हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती थी, ठीक है, लेकिन आज मैं इसकी कैपेबिलिटीज को मान गई, ऑसम, सुपर ऑसम भैया, एक बोलेरो हो गई, बोलेरो कैंपर हो गई, चाहे पिकअप हो गई, पिकअप आप पिकअप नहीं देखते रोड पे चलती है सब्जी के सनम ऐसे भयंकर तरीके से लोड हो गए, माल लेके जाती है दबा के और लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। तो गाइस यार आई होप ये टग ऑफ वॉर आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मैम ने टारगेट दिया है 1 मिलियन लाइक का, तो वो हो जाने चाहिए, बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।